अतीत में ऐसे कई योगी हुए हैं जो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उन्हें निर्माण काया कहते हैं, जो अपना शरीर फिर से बना लेते हैं। शायद ऐसा 100 साल बाद हो, तो भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद अचानक समय कोई समस्या नहीं रह जाता। सतगुरु, क्या समय की यात्रा संभव है? क्योंकि कहा जाता है कि बाबा जी हजारों वर्षों से हिमालय में रह रहे हैं, ऐसी चीजें कहीं जाती हैं, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ये सब किसी ने बाबा जी के बारे में बहुत पहले कुछ कहा था, अब सभी उनकी बातें करने लगे हैं, उनके बारे में फिल्में बनाने लगे हैं, हर कोई उन्हें हर जगह देखने लगा है। जो बात लोगों के अनुभव में नहीं है, उसके बारे में बोलने से मैं हमेशा परहेज करता हूं, क्योंकि लोगों का अपनी कल्पना पर कंट्रोल नहीं है, वे भ्रम में पड़ जाएंगे। 90% धर्म सिर्फ भ्रम हो गया है, क्योंकि लोगों का अपनी कल्पना पर कंट्रोल नहीं है, है ना? देखिए, मान लीजिए मैं अभी परियों की बातें शुरू कर दूं, तो लोग उन्हें सफेद बादलों में देखने लगेंगे, तो जब ऐसी चीज की बात की जाती है जो लोगों के अनुभव में नहीं है, तो हमेशा लोगों के किसी भी समूह में सबसे बेवकूफ लोग उसे सबसे पहले देखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बैठकर सोचेगा कि हो क्या रहा है, पर सबसे मूर्ख लोग परियों और देवताओं को तुरंत देखने लगेंगे। हाँ या ना, यह हकीकत है या नहीं? सिर्फ इसीलिए कि उनका अपनी कल्पना पर कोई कंट्रोल नहीं है, वे तुरंत देखना शुरू कर देते हैं। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना उनके नियंत्रण में नहीं है। तो मैं बाबा जी की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके नाम पर बहुत बातें हो चुकी हैं, पर क्या ऐसा संभव है? अतीत के कई योगी आज भी किसी रूप में मौजूद हैं। वे अपने शरीर के सबसे बारीक हिस्से को बरकरार रखकर मौजूद रहते हैं। Body intact. And just let it be. जब भी उन्हें जरूरत महसूस होती है, वे अपना पुराना शरीर फिर से बना लेते हैं। उन्हें निर्माण काया कहते हैं। ऐसे लोगों को निर्माण काया कहते हैं, जो अपनी काया को फिर से बना लेते हैं। गौतम बुद्ध को एक निर्माण काया योगी माना जाता है। ऐसे कई योगी हैं जो पहले जैसा शरीर बना सकते हैं, एक युवा शरीर जैसा उन्हें पसंद था। शायद 100 साल बाद, 1000 साल बाद, चाहे जितने भी साल हों, क्योंकि वर्षों की संख्या कोई मुद्दा नहीं है। जिसे आप समय कहते हैं, वो इस शरीर के लिए एक तरह का है और दूसरे शरीर के लिए दूसरी तरह का है ना? देखिए, आपके शरीर के लिए 10 साल यानी इतना, 20 साल इतना, 30 साल उतना, 70 वर्ष उतना। मान लीजिए एक कुत्ता है, तो आपका एक साल उसके अनुभव में शायद 15 साल हो, है ना? आप एक कीड़े को देखें, तो शायद आपका एक दिन उसके लिए 50 साल हो, क्योंकि उसकी उम्र 2 दिन की है। तो समय का अनुभव और प्राणियों का समय का अनुभव बहुत अलग होता है। इस ग्रह के जीवन में 100 वर्ष शायद 1 सेकंड हो, हम गणना नहीं जानते, पर यह बहुत छोटा है। तो ऐसा सिर्फ इंसानी दृष्टिकोण से नहीं है, हर चीज की हमारी जीवन काल से तुलना नहीं करनी चाहिए। उस प्राणी के जीवन में भी ऐसा ही है, शायद हमारा अनुमान अलग हो, पर उस प्राणी के हिसाब से वो समय अलग है। तो जब आप भौतिकता और तार्किक मन की सीमाओं को पार कर लेते हैं,
तब समय समस्या नहीं होता। आप देखेंगे कि अपने अंदर एक खास तरह का अनुभव पाने के बाद आप कहीं एक या दो घंटे बैठेंगे तो वो समय आपको एक मिनट जैसा लगेगा। समय का अनुभव हमेशा कई चीजों से तय होता है, जीवन की सामान्य प्रक्रिया में भी। किसी दिन आप बहुत खुश हैं तो 24 घंटे बस ऐसे ही बीत जाते हैं, है ना। किसी दिन आप दुखी होते हैं, 24 घंटे एक साल की तरह लगते हैं, है ना। तो समय हमेशा एक सापेक्ष अनुभव होता है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जाएं तीव्र होंगी, आप देखेंगे कि समय और तेजी से बीतेगा। यदि आप बहुत तीव्र अवस्था में हैं, तो 24 घंटे एक मिनट की तरह गुजर जाएंगे, बस यूं ही। तो क्योंकि जब आप अपने भीतर तीव्रता से जीते हैं, तो एक साल बहुत जल्दी बीत जाता है। पता नहीं चलता कि क्या हुआ। पीछे मुड़कर देखने से पहले साल बीत जाते हैं, क्योंकि जीवन में तीव्रता है। जैसे जैसे आपका अनुभव ज्यादा तीव्र होगा, आप देखेंगे कि समय जल्दी बीत जाएगा। तो जब आप अपना भौतिक शरीर छोड़ देते हैं, वो मिट्टी का शरीर जिसे आपने धरती से उठाया था, तब अचानक समय कोई मुद्दा नहीं रह जाता। 100 साल बाद जैसा कुछ नहीं होता, वो बस एक पल होता है। तो शायद वे बस एक पल बाद वापस आए हों, पर आपको लगा कि वे 500 साल बाद आए। उनके अनुभव में वे बस घूमे और वापस आ गए, पर आपके अनुभव में 500 साल बीत गए। तो मैं इस बारे में जितना ज्यादा बोलूंगा, ये उतना बेतुका होता जाएगा, क्योंकि एक सीमा के बाद तार्किक रूप से नहीं बोला जा सकता। आज क्या आप जानते हैं, आधुनिक विज्ञान फजी लॉजिक की बात कर रहा है। फजी लॉजिक यानी तर्क नहीं है, पर वे अतार्किक होना स्वीकारना नहीं चाहते। वैज्ञानिकों के लिए अतार्किक होना शर्म की बात है, तो उन्होंने नया शब्द खोजा है कि यह अस्पष्ट तर्क है। अस्पष्ट यानी यह तर्क ही नहीं है, है ना। तो अगर हमने इस पर और बातें की तो हम फजी बन जाएंगे।